ये तो जैसे मैं ऊपर लिफ्ट से आया था तो नीचे भी लिफ्ट से ही जाऊंगा। टन टन। सबसे पहले हो गई एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो लगभग आधा महीने के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अब देखता हूँ, अभी मैंने ब्लॉग शाम के 4 बजे से स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर पहले मैं अपने रेस्ट टाइम पे रूम पे आया था, अभी मैं नहाया और सबसे ऊपर वाले छत में आ रखा हूँ अभी धूप सेकने के लिए। कुछ दिनों बाद यहाँ पे ना धूप देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है सर्दियों में, और सर्दियाँ जस्ट स्टार्ट होने वाली है। कल तेज़ बारिश हुई थी, बारिश के बाद काफ़ी ठंडा हो गया। मेरा स्वेटर तो बहुत पहले निकल गया था, और जब से मैंने नया फ़ोन लिया है तब से मेरा ये 4th-5th ब्लॉग होगा नया फ़ोन से। बहुत ज़्यादा कोशिश मैं करता हूँ कि मैं ज़रूर कुछ ब्लॉग बनाऊँ, कुछ दिखाऊँ। कभी कभार मैं मिनी ब्लॉग अपलोड कर लेता हूँ, बट मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया है। आज मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेता हूँ कुछ। नहा धो के मैं आया हूँ छत के ऊपर, और छत के ऊपर से यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य है। अभी सनसेट हो रहा है, कुछ दिनों में तो हमें सन ही दिखना बंद हो जाएगा जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी। वो सामने पे है तपोवन, और इस साइड वो लक्ष्मण झूला जो कि आजकल बंद हो रखा है बहुत 1-2 साल से। वो 13 मंजिला मंदिर, कब से मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाऊँ, बट देखते हैं कब जाना होता है वहाँ पे। जब मैं पहली बारी में ऋषिकेश आया था जॉब करने के लिए, उस टाइम पे मैंने इतना नहीं छोड़ा था ब्लॉगिंग करना। कभी कभार मेरे ब्लॉग आ जाते थे, एक वीक में लगभग मेरे 2-3 ब्लॉग आ जाते थे। लेकिन जब से मैं इस बारी आया हूँ, इस बारी तो पहले मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, बहुत समय मेरा फ़ोन आने में लगा, और जब से फ़ोन आया है तब से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं। पता नहीं क्यों, टाइम तो मुझे मिलता है, बाकी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा आजकल कम सा हो गया है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मैं बना भी नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कैमरा फेस करने में। पहले से मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता था तो मैं मतलब अपना एक अच्छा ब्लॉग बना ही लेता था, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ मैं अच्छे से दिखा लेता था। लेकिन आया है जिस चीज़ के लिए मैंने नया फ़ोन लिया है ब्लॉग बनाने के लिए, मैंने थोड़ा अच्छा सा फ़ोन लिया और क्वालिटी भी इस फ़ोन की अच्छी है। बाकी अब देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉग बना सकूँ। आधा पैसा लगभग मैंने अपना फ़ोन का चुका दिया है। जैसे कि मैंने जब फ़ोन लिया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैफ़े ने ही मुझे फ़ोन दिलाया, यानी कैफ़े से मैंने पैसे लेके फ़ोन लिया है, और अभी तक मेरी किस्त कट रही है। आधी किस्त मैंने कटा दी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है कि अब मेरे फ़ोन की बस आधा ही रुपए मुझे देने हैं। तो देखते हैं कब तक वो पूरे होते हैं। कुछ दिनों पहले मैं टकला भी हुआ था, गाँव में ताऊजी की डेथ हो गई थी, और अब देखो मेरे बाल भी आ गए हैं, थोड़ी थोड़े बाल आ गए हैं। अभी टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडा है तो टोपी पहननी पड़ी है। और पिछले 3 दिनों से मैं अपने योगा क्लास में नहीं गया, 2 दिन मैं लगातार गया और 3 दिन मैं नहीं गया। अब कल मेरी छुट्टी है तो कल मैं योगा क्लास में जाऊँगा, देखता हूँ कहीं घूमने का प्लान बनता है। फिलहाल मैंने काफ़ी ज़्यादा धूप देख ली है यहाँ पे, और मैंने ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया है। होपफुली मैं इस ब्लॉग को ज़रूर पूरा करूँ, क्योंकि इस बार पिछले कई दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आधा ब्लॉग स्टार्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद वो ब्लॉग पूरा नहीं हो रहा, फिर मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे मिनी ब्लॉग में भी हो रहा है, मतलब बहुत सारे ब्लॉग बनाने की मैंने कोशिश करी है इस नए वाले फ़ोन में, बट मैं उन्हें पूरा नहीं बना पाया हूँ। लास्ट ब्लॉग मैंने तब बनाया था जब मेरा यूटेट का पेपर हुआ था, और अब यूटेट का रिज़ल्ट आने वाला है, लगभग 3-4 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा, और अब जाके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इस बीच मैंने ब्लॉग तो बनाए बहुत सारे, बट मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरे ही नहीं थे, मुझे नहीं लगा कि मैं उन्हें अपलोड करूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है ब्रेक का, तो फ़ोन वगैरह मैं चार्ज कर लेता हूँ। वैसे वैसे वीडियो को एडिट करना भी मैं स्टार्ट कर दूँगा, ताकि बात के लिए मुझे कोई झंझट ना बचे। तो अभी मैं कैफ़े में आ गया हूँ, और शाम के 5 बज गए हैं, और कैफ़े मैंने बहुत बार ही आपको दिखाया है। हेलो करो। हेलो, तो यहाँ पे एक ड्रिंक का ऑर्डर चल रहा है जो कि मुझे बनाना है क्योंकि सूरज की छुट्टी है। तो अभी मैं ड्रिंक बना रहा था और फ्रूट हो गए ख़त्म, तो आंटी के पास जा रहा हूँ फ्रूट लेने के लिए, वहीं से हम रोज़ फ्रूट लेते हैं। और पहला मेरा ये ब्लॉग होगा जो मैं मार्केट में चलते चलते बना रहा हूँ, तो आपसे कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँ, जब भी मैं जहाँ जाऊँ जो भी करूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। बाकी आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो अभी फिर से मैं निकल गया हूँ मार्केट की तरफ, और अभी मैं जा रहा हूँ ये फूड डिलीवर करने के लिए। तो कुछ ऐसा है लक्ष्मण झूला का मार्केट, और एक दिन मैं आपको मार्केट टूर भी पूरा कराऊँगा कि क्या क्या यहाँ दुकानों पे मिलता है और क्या क्या चीज़ें हम सस्ते सस्ते में ख़रीद सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो ये बैग जैकेट आजकल चल रहे हैं हर एक दुकान में देखने को मिल जाते हैं। और आज मेरी सुबह से बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हो गई है इधर उधर इधर उधर, और इससे ज़्यादा कल हुई थी, कल बारिश हो रही थी ना, तो सारे लोग अंदर ही थे, और वो
रूम से ही ऑर्डर कर रहे थे और बारिश में ही जाना पड़ रहा था, पर कल हम तीन लोग थे, आज सूरज की छुट्टी है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मुझे जल्दी जल्दी भी जाना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगा बनाना, तो मुझे थोड़ा आदत सी हो जाएगी फिर से बनाने की। तो जब यहाँ पे आना होता है तो लिफ्ट से ही ऊपर नीचे जाना होता है। पहुँच गए, चारों यहाँ से ना चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत आ रहा है। अभी सनसेट हो रहा है, एकदम सूर्य की लालिमा मेरे आँखों पे पड़ रही है, एकदम मस्त सा फील हो रहा है और गंगा की लहर हल्की हल्की हवाओं के साथ बह रही है, तो इतना सुहाना सा फील मुझे हो रहा है यहाँ पे खड़े होके, एकदम मस्त सा लग रहा है। और थोड़ी देर में यहीं पर खड़ा रहूँगा। जो लक्ष्मण झूला का नया पुल बन रहा है, आजकल उसका काम चल रहा है और जो पुराना वाला पुल है वो बंद किया हुआ है, तो अभी मैं इतने करीब आ रखा हूँ लक्ष्मण झूला का। और ठीक वहाँ पे हमारा कैफ़े है, ठीक सामने पे सनसेट हो रहा है और मैंने बहुत समय यहाँ पे बिता लिया है, तो मुझे आई थिंक जाना चाहिए। ये तो जैसे मैं ऊपर लिफ्ट से आया था तो नीचे भी लिफ्ट से ही जाऊँगा। टन टन लिफ्ट लिफ्ट, फ्री फ्री में मुझे लिफ्ट पे भी बैठने को मिल रहा है और आज मैंने टोपी हटा रखी है तो ठंडा ठंडा सा भी फील हो रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, तो ये नीचे की तरफ। Shit!